सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड खंड एक, धन का आपका ब्लूप्रिंट। हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलू की दुनिया में रहते हैं, ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव ही नहीं। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? संभव ही नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी हो ही चाहिए। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकें जैसे चीज़ें शामिल है, ये अनिवार्य है, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार जरूरी है, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कॉरपोरेटर बनना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, सही समय पर सही जगह होना ही काफ़ी नहीं, आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन है? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या है? आपकी आदतें और खूबियाँ क्या हैं? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध है? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई यह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार हैं या काबिल है? डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड न होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे एक प्रिय लेखक स्टुअर्ट वाइल्ड ने कहा था, सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। ऐसा करने पर लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे, और जब वे आने लगेंगे तो उन्हें बिल थमा दें। दौलत का सिद्धांत, आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है लेकिन वे उसे गंवा देते हैं, या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उसकी शुरुआत भी अच्छी होती है लेकिन बाद में सब कुछ टैटरफिस हो जाता है? अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो वह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या पूरा पार्टनर या चाहे जो दिखाता हो, बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार न हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती। उसके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का माध्यम ही नहीं होता। अरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत ले, उनमें से ज़्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी धनराशि पर जितनी के साथ वे आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनेयर बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दे कि जब सेल्फ मेड मिलियनेयर पैसा गंवा देते हैं तो आमतौर पर वे इससे बहुत कम समय में ही वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास $1 बिलियन थे, उसका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ ही साल बाद उन्होंने सिर्फ दौलत पा ली बल्कि उससे ज़्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलियनेयर पैसा तो गंवा सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कभी नहीं गंवाते हैं, उनका मिलियनेयर मस्तिष्क। चाहे डोनाल्ड के मामले में यह उनका बिलियनेयर मस्तिष्क है। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलियनेयर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती तो उसके हिसाब से वो अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? हालांकि ज़्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वे शायद खुद को दिवालिया और वित्तीय दृष्टि से असफल मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों नहीं बिलियनों पर निर्धारित है।
ज़्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों नहीं हजारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट हजारों पर नहीं बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का वित्तीय थर्मोस्टेट शून्य से भी नीचे निर्धारित होता है। वे लोग बुरी तरह ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच ही नहीं पाते। ज़्यादातर लोग सफल नहीं है। शोध से पता चला कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते और सोचते हैं जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वो देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। फलों तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों अपने परिणामों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते। वे कम है, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है, तो हम आदतन क्या करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग फलों पर यानी मामलों वाले परिणामों पर मिलने वाले परिणामों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, लेकिन वे फल वास्तव में कहाँ से आए। फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए जो जमीन के अंदर है। वह जमीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं वह दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। दौलत का सिद्धांत, अगर आप फलों को बदलना चाहते तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। जाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों में से एक ही सवाल पूछता हूँ, आप लोग बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख ही नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप को इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के उसी सॉकेट में डालकर देखे। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएँ एक झटके में काफूर हो जाएगी। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते वो किसी भी दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस सिद्धांत से चाहे सहमत हो या ना हो, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़े। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज़ जमीन के ऊपर की चीज़ उत्पन्न करती हैं, जिनके द्वारा न दिखने वाली चीज़ें दिखने वाली चीज़ों को उत्पन्न करती हैं। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ें यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रभाव अच्छा होता है। जब हम ऐसा नहीं करते तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में ज़मीन के अंदर की चीज़ों ने ही ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा किया है। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटके हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको ज़मीन की खुदाई करनी होगी और पेड़ों को मजबूत करना होगा। 4 क्वाड्रेंट MESP। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते हैं। हम एक साथ कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट है, भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत। ज़्यादातर लोगों की इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता है कि भौतिक धरातल तो बाकी तीनों क्वाड्रेंट का सिर्फ एक प्रिंट आउट है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कभी अपने कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप की, आप प्रिंट दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंटर में से बाहर निकल प्रिंट आउट में आपको एक गलती दिख जाती है। आप अपना भरोसेमंद इरेजर निकालते हैं और उस पर गलती को मिटा देते हैं। फिर आप दोबारा प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी निकल आती है और उसमें गलती
जहाँ की तहाँ मौजूद होती। ओ ऐसा कैसे हो सकता, आपने कभी तो इसे मिटाया था, तो इस बार आप एक बड़ा इरेजर लाते हैं और गलती से ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा देर तक मिटाते हैं। आप प्रभावी इरेजिंग नामक मैनुअल का अध्ययन भी करते हैं जो 300 पेज का है। अब आपके पास अपनी ज़रूरत के सारे साधन और ज्ञान है, आप तैयार है। आप फिर से प्रिंट बटन दबाते, लेकिन क्या यह क्या फिर वही प्रिंटर हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिल्लाते, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ हो क्या रहा है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ। यहाँ पर हो यह रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम, इस कारण परिणाम की दुनिया में रहते हैं। दौलत का सिद्धांत, धन परिणाम, दौलत परिणाम, सेहत परिणाम, बीमारी परिणाम, आपका मोटापा परिणाम, हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना कि धन की कमी समस्या है? आप ये बात सुन ले, धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती। धन की कमी तो सिर्फ यह बदलाती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या, यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हैं, चाहे वो लाभदायक हो या हानिकारक, बुरे हो या अच्छे हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, यही मुद्दे की बात है। घोषणाएँ, परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। अपने सेमिनारों में हम तीव्र गति से सीखने की तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिनसे आप ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं और सीखी गई बातों को ज़्यादा याद रखते हैं। इसकी कुंजी है जुड़ाव, इन्वॉल्वमेंट। हमारी नीति इस पुरानी कहावत का अनुसरण करती है, आप जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं, आप जो करते हैं उसे समझ जाते हैं। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप इस पुस्तक के हर प्रमुख सिद्धांत के अंत में पहुँचे तो हर बार अपना हाथ दिल पर रखकर एक घोषणा करें, फिर अपनी तर्जनी से सिर को छूकर एक और घोषणा करें। घोषणा क्या है? यह एक सकारात्मक कथन है जिसे आप जोर से बोलते हैं। घोषणाएं आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि हर चीज़ एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगे और कंपनों में यात्रा करती है, इसलिए आपकी हर घोषणा के कंपनों की निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है, उसी समय अपना शरीर छूकर आप इसकी अनूठी गूंज महसूस कर सकते हो। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड को निश्चित संदेश भेजती है, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को भी सशक्त संदेश भेजती है। घोषणा और संकल्प के बीच जरा सा ही अंतर है, लेकिन हिसाब से यह बेहद महत्वपूर्ण है। संकल्प की परिभाषा है एक सकारात्मक कथन जो यह दावा करता है जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हो वह पहले से ही हासिल हो चुका है। घोषणा की परिभाषा है किसी खास काम को करने या किसी खास लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना। संकल्प में यह दावा निहित होता है कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है। मैं संकल्पों का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम किसी ऐसी चीज़ को सच कहते हैं जो वर्तमान में सच ही नहीं है, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज़ कहने लगे, यह सच नहीं है, यह झूठ है, बकवास है। दूसरी तरफ घोषणा में ऐसा नहीं कहा जाता कि यह सच है, इसमें तो सिर्फ यह बतलाया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ करने का इरादा रखते हैं। धीमी आवाज़ से इसे मान सकते हैं, क्योंकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह वर्तमान सच है, हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा यह इरादा। घोषणा आधिकारिक होती है, ब्रह्मांड और आपके शरीर में ऊर्जा का
औपचारिक कथन है। परिभाषा का एक और महत्वपूर्ण शब्द है काम। आपको अपने इरादे में को हकीकत में बदलने के सभी आवश्यक काम करने होंगे। मेरी सलाह है कि आप हर दिन सुबह शाम और रात को अपनी घोषणाएं जोर से करें। आईने में देखकर घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाए। मुझे मानना होगा कि जब मैं इसके बारे में पहली बार सुना था तो मैंने कहा था संभव ही नहीं है, ये घोषणा का झमेला मुझे तो झूठे सपने जैसा लगता है। लेकिन चूंकि मैं इस वक्त दिवालिया था इसलिए मैंने फैसला किया कि क्या फ़र्क पड़ता है, इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। फिर मैं नियमित घोषणा करने लगा। अब मैं अमीर बन चुका हूँ, इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मुझे घोषणाओं का असरदार और कारगर होने पर पूरा यकीन है। सच तो यह है मैं दूरदर्शी और दिवालिया रहने के बजाय झूठा सपना देखकर अमीर बनना चाहूँगा। आपका क्या ख्याल है? यह कहने के बाद मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना हाथ दिल पर रख कर नीचे दी गई घोषणा दोहराएं। घोषणाएँ मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। अब अपना सिर झुकाकर कहे मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है, मैं आपको विशेष बोनस देना चाहता हूँ। अगर आप www.millionairemindsbook.com वेबसाइट पर जाकर फ्री बुक्स बोनस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पुस्तक की सभी घोषणाओं की मुफ्त सूची मिलेगी जो सुंदर लिखावट में है। आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं और मढ़वा भी सकते हैं। धन का उनका वित्तीय प्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है? रेडियो या टीवी पर मैं अक्सर यह कहता हूँ मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। दौलत का सिद्धांत, मुझे 5 मिनट का समय दे, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। कैसे? छोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। इसमें से हर एक के पास धन और सफलता के व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट हो जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है, और यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है उतना कोई और चीज़ नहीं करती। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस वक्त उस खास मकान की पहले से बनी योजना या डिजाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बताना चाहता हूँ। यही फार्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविक और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र के कई बहुत सम्माननीय शिक्षकों ने इस फार्मूले को अपने शिक्षण की बुनियाद बनाया। इसी प्रकृष्टीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। यह फार्मूला यह है टी से एफ, एफ से ए इक्वल टू आर। दौलत का सिद्धांत विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाते हैं, कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों भावनाओं और कार्यों के तालमेल का परिणाम है। तो धन का आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट कैसा बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुक्त उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिला, खास तौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशन के मूल स्रोत कौन है? ज़्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मिलित लोग, शिक्षक, धर्म गुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। आइए संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों में धन के बारे में सोचने और काम करने का निश्चित तरीका हो जबकि दूसरी संस्कृतियों की इस बारे में अलग नीति हो? क्या आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नज़रिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नज़रिया रखना चाहिए? आपका अंदाज़ा सही है, हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसा सोचा और काम किया जाए। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यह सिखाया गया है कि पैसों के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। यह सिखाई गई बातें आपके कंडीशनिंग कर देती हैं और आपको एक सांचे में ढाल देती है। यह आपकी स्वचालित प्रक्रियाएं बन जाती हैं जो जिंदगी भर चलती है। जाहिर है यह तब तक होगा जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलतों की फाइलों को बदल ना ले।
हम इस मस्तिष्क में ठीक यही करने जा रहे हैं। हम हर साल हजारों लोगों के लिए यही करते हैं। मिलियनेयर माइंड इंसेंटिव सेमिनार में हम इस काम को ज़्यादा गहरे और ज़्यादा अस्थायी तौर पर करते हैं। हमने पहले कहा था कि विचार भावनाएं तक ले जाते, भावनाएं कार्यों तक और कार्य परिणामों तक। तो एक दिलचस्प सवाल है, आपके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार उन जानकारों की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों में होती है, और यह जानकारी कहाँ से आती है? यह आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। यह सच है कि आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है, इसलिए अक्सर इसे कंडीश्ड मस्तिष्क कहा जाता है। इस समझ के आधार पर हम अब अपनी प्रकृष्टिकरण की प्रक्रिया को नीचे दिए गए तरीके से संशोधित कर सकते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों को उत्पन्न करती है। आपके विचार आपकी भावनाओं को उत्पन्न करती है। आपकी भावनाएं आपके कार्यों को उत्पन्न करती है। आपके कार्य आपके परिणामों को उत्पन्न करती है। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा ले। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, तीन मूल तरीकों से कंडीशनिंग होते हैं। शाब्दिक प्रोग्राम, आपके बचपन में क्या सुना था। मॉडलिंग, अनुसरण, आपने बचपन में क्या देखा था। विशेष घटना, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। कंडीशनिंग के इन तीनों पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए हम विस्तार से विचार कर लेते हैं। इस पुस्तक खंड दो में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सफलता के दुख को सही तरह से कैसे कंडीशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर